नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जोरदार सच पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कौन सी सरकार महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर होगी। तो सबसे पहले हम बीजेपी की बात करते हैं। नंबर एक, 3 करोड़ लखपति दीदियां। नंबर दो, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क का विस्तार। नंबर तीन, सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए एक केंद्रित पहल शुरू करेंगे। नंबर चार, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सुगम बनाना। नंबर पाँच, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करना। इनका कहना है कि हम संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से लागू करेंगे। बात करते हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या क्या वादे किए हैं। नंबर एक, कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना किसी शर्त के नकद हस्तांतरण के रूप में प्रतिवर्ष 1 लाख प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। नंबर दो, महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। नंबर तीन, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों जैसे आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, रसोइयाँ आदि के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना हो जाएगा। नंबर चार, मातृत्व लाभ सभी को मिलेगा। सभी नियोक्ताओं को अपने महिला कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सवैतनिक मातृत्व अवकाश देना होगा। नंबर पाँच, हम प्रत्येक पंचायत में महिलाओं को शिक्षित करने और उनके कानूनी अधिकारों को लागू करने में सहायता करने के लिए अधिकार मैत्री की नियुक्ति करेंगे। नंबर छः, SC ST OBC और अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिक महिलाओं और व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नंबर सात, हम 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित करेंगे। नंबर आठ, राज्य सरकार के साथ साझेदारी में केंद्र सरकार देश में कामकाजी महिला छात्रवासों की संख्या को दोगुनी करेगी, जिसमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक सावित्रीबाई फुले छात्रावास होगा। बाकी आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें।